और वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि साबिक हुकूमतों ने माहौलियाती तब्दीली पर तवज्जो नहीं दी। नई नस्लों का एहसास करके हम फैसला करने वाले होंगे। कुदरती माहौल का तहफ्फुज़ पीटीआई हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सातवीं एशियन रीजनल कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि माहौलियात का तहफ्फुज़ दीनी फरीज़ा है। कुदरती माहौल का तहफ्फुज़ हमारी हुकूमत की तरजीह है और हमें मुस्तकबिल की नस्लों का एहसास करके फैसले करना होंगे। So whatever you do today, you must understand the impact it will have on future generations. वज़ीर आज़म ने माजी की हकूमतों को हदफ़े तनकीद बनाते हुए कहा कि साबका अदवार में माहौलियाती तब्दीली पर तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन कुदरती माहौल का तहफ्फुज़ पीटीआई हकूमत की अवलीन तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री मंसूबा इस बात का सबूत है। And people were skeptical. No one thought it would happen. But we had a very dedicated team, passionate people. And the magic formula of success, we involve the local communities, young people, women. खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मिली तो बिलियन ट्री मंसूबा शुरू किया, माहौलियाती तहफ्फुज़ के लिए मुकामी लोगों को शामिल किया। बिलियन ट्री मंसूबे में सबसे बड़ी रुकावट टिम्बर माफिया था। माजी में टिम्बर माफिया को हुकूमत की सरपरस्ती हासिल रही। When we started the conservation plan of 1 billion trees in Khyber Pakhtunkhwa, the biggest problem we had was this mafia, the timber mafia. 10 of our forest guards were shot, killed by the timber mafia. उन्होंने कहा कि साबिक हुकूमतों की लापरवाही के बाद बागात का शहर लाहौर आलूदा तरीन शहर बन चुका है। शहर के 70% दरख्त काट दिए गए, माहौलियाती तब्दीली का मजमून निसाब में शामिल कर रहे हैं।